और अब तो मैं छुटका कांड हो गया, और अब तो मैं छुटका कांड हो गया। अब तो आपके लिए दिल्ली से भी मिल सकता हूँ, क्या करिए हमारे, क्या करिए, लड़े जीती है तो हमसे ज्यादा मने भी ढूंढ लगे नहीं। कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है। टिकट कटने के बाद भी चुनावी बयार में किसी न किसी तरीके से बृजभूषण सुर्खियों में बने ही रहते हैं। बृजभूषण चुनाव के मैदानी जंग में तो नहीं है, पर उनके तेवर अभी भी मंचों पर वैसे ही नजर आ रहे हैं। दरअसल कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के डहराज चौराहे पर एक सभा को संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने भरे मंच से खुद को छुट्टा सांड बता डाला। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे और कैसरगंज संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के समर्थन में वोट मांगा। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि न तो मैं बूढ़ा हुआ हूं, न ही रिटायर हुआ हूं। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे ज्यादा आपके बीच में अब रहूंगा। चलिए अब आपको भी सुना देते हैं बृजभूषण का मंच से ये बयान। न बूढ़ा हुआ हूं, न रिटायर हुआ हूं, न बूढ़ा हुआ हूं, न रिटायर हुआ हूं। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख से काम करूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करना है। मुझे पता है कहां सड़क की जरूरत है, मुझे पता है कहां पुल की जरूरत है, मुझे पता है कहां रेल के ऊपर ओवरब्रिज की जरूरत है, मुझे पता है कि करनैलगंज में घंटा घंटा जाम लगता है, मुझे पता है क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता है। और अब तो मैं छुट्टा कांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी मिल सकता हूं, क्या करिए हमारे, क्या करिए, लड़े जीती है और हमसे ज्यादा मने भी ढूंढ लगे नहीं है। तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं, किन किन बेचारे गरीबों को अभी घर नहीं मिला है हम देख रहे हैं, किस किस घरों पर बिजली नहीं लगी वो भी हम देख रहे हैं, सारी दिक्कत देख रहे हैं। तो हम चुप बैठने वाले नहीं है, आपके डबल सांसद से लेकर डबल। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बृजभूषण का कोई बयान वायरल हुआ हो। इससे पहले भी बृजभूषण महिलाओं के उत्पीड़न मामले को लेकर दिए गए बयानों से लोगों का ध्यान खींच चुके हैं। खैर, कैसरगंज लोकसभा सीट पर अभी जो चुनावी मुकाबला होना है उसमें कहीं न कहीं करण भूषण के चुनावी मैदान में होने के बाद भी बृजभूषण की साख दांव पर लगी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।